हर हर महादेव। सवाई माधोपुर राजस्थान से जगदीश शास्त्री है, उनका प्रश्न है कि जो है हमारे यहाँ ऐसा लोग कहते हैं कि सायंकाल को तारे का दर्शन नहीं किया जाता है, एक तारे को नहीं देखना चाहिए, तो इसका क्या निर्णय है, क्या ये शास्त्रों में ऐसा है? देखिए जी जगदीश जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत चर्चा है, आप लोग देखिए कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनको देखने मात्र से पातक लग जाता है। हाँ, उसको देखना नहीं है, संसार में हर चीज नहीं देखनी है कि हम तो साहब देख रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, देखने मात्र से ही आपको अपराध लग जाएगा। कुछ ऐसी वस्तुएं, और उसकी शांति भी करानी पड़ेगी, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपने क्यों देखा। ऐसा नहीं है कि किसी को बोले उसकी बात कर रहे हैं कि किसी जो है महिला को लड़की को ताड़ रहे हैं देखना, कोई वैसी गलत दृष्टि से नहीं, सामान्य दृष्टि से देखना वो तो अपराध है ही, सामान्य दृष्टि से भी किसी को देखना अपराध है। तो ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कुछ हम यहाँ गिना रहे हैं जो कि रोज अपने परिवेश में आने वाली हैं, रोज व्यवहार में आने वाली हैं, उनको नहीं देखना चाहिए। देखो, जिस एक तारे की बात की थी तो ऐसा शास्त्रों में है, एक तारंच गगनम न पश्येत तुर्जाम भयात्, देवान दृष्ट्वा हरिम स्मृत्वा सप्तधा नारदम जपे। जब संध्या काल होता है तो संध्या काल में सबसे पहले एक तारे का उदय होगा, फिर दो, तीन, चार, दस, बीस, हजारों, फिर लाखों तारे हो जाते हैं। तो शुरुआत में जब एक तारा हो और कोई नहीं हो तो उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, और धोखे में हो जाए तो हो गया, कहीं देख लिया धोखे में, एक बार तो चल ही गई निगाह धोखे में, बार बार तो नहीं देखेगा, नहीं देखना चाहिए, बार बार देखेगा तो अपराध बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं एक तारम च गगनम न पश्ये तू रुजाम भया, क्यों बोले रोग हो जाएगा, रोग होता अगर कोई एक तारे को देखता है तो ये इसका क्या निवारण बताया है शास्त्रों में, उन देवान दृष्टवा, तुरंत जाकर के मंदिरों में और अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, और हरिम स्मृत्वा, फिर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए, और सप्तधा नारदम जपे, और सात बार नारद जी का नाम जप करना चाहिए, नारदाय नमः, नारदाय नमः, नारदाय नमः, इसका सात बार जप करना चाहिए, तो एक तारा देखने का दोष शांत होता है। और देखिए श्वेत काकम, कौए जो होते हैं कौआ, तो एक ये तो काला कौआ होता है, एक सफेद कौआ और होता है श्वेत का, उसका कहीं दर्शन हो जाए, कहीं मिल जाए तो उसके लिए भी शांति लिखी गई है। सामान्य रूप से मिलता नहीं है, परंतु कहीं मिल जाए तो उसको देखना नहीं है, अगर दिख जाता है तो फिर आपको जो है शांति करनी पड़ती है। देखिए श्वेत पक्षो यदा का गो दृश्यते यस्य मंडले तत्र शांति प्रकर्तव्या सर्वदोषोपशांतये। तो श्वेत का दर्शन शांति है शास्त्रों में, उसकी शांति करनी पड़ेगी। एक बात और, काक मैथुन भी नहीं देखना चाहिए, जो काक और कौवी जो आपस में मैथुन करते हैं वो मैथुन, उनका स्त्री प्रसंग भी नहीं देखना चाहिए, यदि कोई कौए के ऊपर कौए को चढ़े जो जो उनका मैथुन होता है वो देख लेता है तब भी शांति लिखी है। काक मैथुन का दर्शन में भी, काक मैथुन जनित शांति, ये जो है संस्कार दीपक में लिखा है, शांति मयूख में लिखा है, धर्म सिंधु में लिखा है, निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथों में इसके बारे में बतलाया गया है, इसका दर्शन नहीं करना है। एक इसी तरीके से सर्प मैथुन है, दो काले नाग अगर आपस में मैथुन कर रहे हो तो वो भी नहीं देखना है, अगर दिख जाए तो उसकी भी शांति करनी चाहिए। पांचवी बात और देखिए कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा भी नहीं देखा जाता,
उसको नहीं देखना चाहिए, उसको देखने से कलंक लगता है और उसका जो है उसमें कथा है कि एक बार चंद्रदेव जो है भगवान गणपति का ऐसे उपहास करने लगे थे, इसमें जो है भगवान गणेश जी ने और चंद्रमा को शापित कर दिया कि तू जो है ज़्यादा उपवास कर रहा है हमारी सूंड और ऐसे हमारे अंग को देख करके, तो बहुत सुंदर बनता है, चलो आज के चंद्रमा को तुझको आज को कोई देखेगा नहीं, तो देखेगा तो उसको कलंक लगेगा, तो नहीं देखना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो स्यमंतक मणि की कथा है कि वो जो है उनके ऊपर झूठा कलंक लग गया था प्रसन्न के द्वारा, और फिर वो जो वन में गए और वहाँ से खोज करके लाए, जामवती से विवाह किया और मणि को भी लाए फिर सभा में दी, ये कथा सुननी चाहिए। अथवा एक विष्णु पुराण का श्लोक है, इसका पाठ कर लेना चाहिए। सिंहा प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हत सुकुमार मारोदी स्तव ह्येशस्य मंतक, इसमें भी पूरी कथानक भरा हुआ है, तो इसके पाठ मात्र से भी वो चंद्र दर्शन का दोष शांत हो जाता है। और तो और जल में अपनी परछाई नहीं देखना चाहिए, जैसे शीशे में अपन फोटो देखते हैं अपना मुंह देखते हैं, ऐसे जल में भी दिखता है, तो जल में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, धर्मशास्त्र निषेध करते हैं। क्या निषेध है? ना पितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूप जले पश्येत शक्रस्यापि श्रियम हरे। ऐसा करने से जो है चाहे इंद्र ही क्यों ना हो उसकी भी श्री का वैभव का कीर्ति का लक्ष्मी का नाश हो जाता है। क्या क्या करने से? ना पितस्य गृहे क्षौरम, नाई के घर पे जाकर के बाल बनवाना, पाषाणे गंधलेपनम और चंदन घिसा और उसी पत्थर से ही उठा करके चंदन लगा लिए, उस चंदन को उतारिए किसी कटोरी आदि में, फिर ठाकुर जी को निवेदन करिए फिर लगाइए, नहीं तो वो श्री का नाश कर देता है। और आत्मरूप जले पश्ये, और अपना स्वरूप अगर इसने जल में देख लिया तब भी शक्रत से आप श्रीयम हरे, इसलिए ये नहीं करना, ये अपना स्वरूप नहीं देखना चाहिए। सातवीं बात है कि नग्न पर पुरुष पर स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, कोई भी नग्न है उसको मत देखो। देखो लिखा हुआ न नग्नाम स्त्रियम ईक्षेत पुरुषम व कदाचन, किसी भी स्त्री पुरुष को नग्नावस्था में मत देखिए। और तो और अपने मल मूत्र या किसी के मल मूत्र को भी नहीं देखना चाहिए, दुर्भावना पैदा होती है। न पश्ये दात्मना शकृत, अपने भी शकृत माने मल मूत्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी नहीं देखना चाहिए, ये ब्रह्म पुराण का वचन है। महाराज मनु कहते हैं मूत्र के लिए न बिन मूत्रम उदीक्षेता, बिट माने मल मूत्रम न उदीक्षेता, उसको नहीं देखना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा का कई जगह पर दर्शन करना निषेध किया गया है कि ऐसी ऐसी अवस्था में चंद्रमा का सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। बताया गया सूर्य और चंद्र, सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, चंद्रोदय हो रहा हो, चंद्रास्त हो रहा हो, इस समय देखना मना है। ग्रहण लगे हुए सूर्यास्त चंद्र को नहीं देखना चाहिए, राहु ग्रसित करता है तो सूर्य को चंद्र को ग्रहण जो लग जाता है उस समय भी नहीं देखना चाहिए। और तो और किसी दर्पण में और सूर्य का फोटो देख रहे हैं, दर्पण में चंद्रमा का फोटो देख रहे हैं, ये भी मना है। दर्पण आदि में सूर्य चंद्र का बिंब का निरीक्षण निषिद्ध है। ठीक मध्यान्ह के समय सूर्य का निरीक्षण निषिद्ध है, ठीक एकदम ऊपर है तब। कृष्ण पक्ष में खंडित चंद्रमा को उदय काल में नहीं देखना चाहिए, सूर्य की ओर सर्वदा एकटक ऐसे देखते ही रहना ये नहीं करना चाहिए। झूठे मोह अशुद्ध अवस्था में मलमूत्र त्याग करते समय इस समय भी सूर्य चंद्र का बिंब निरीक्षण करना गलत है, ऐसी अवस्था में चंद्रमा तारे इत्यादि को देखना भी मना है। परंतु चंद्र पूजन करते समय, सूर्य का पूजन करते समय, सूर्य को अर्घ देते समय,
सूर्य को नमस्कार करते समय ये जो है चंद्र बिंब सूर्य बिंब का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा अशुद्ध अवस्था में और जो जो समय जो गिनाए गए इस समय सूर्य और चंद्र का बिंब भी नहीं देखना चाहिए। और तो और कुएं में नहीं देखना चाहिए, अब तो कुएं खैर खत्म हो गए, लेकिन कुआं में निरीक्षण करना, कुआं होता है जो जिसमें जल खींचते हैं, अकारण कोई कारण हो तो कुएं में धसना भी पड़ता है, उसको भी सही करना पड़ता है। लेकिन पार्श्कर की सूत्र में मना किया गया है कि उदपाना वेक्षणम आदि आदि न कुरिया, ये भी नहीं करना चाहिए। और तो और बताएं, दूसरे की स्त्री महिला को तो मना, अपनी स्त्री अपनी पत्नी को भी इन अवस्था में देखना मना किया शास्त्रों, ध्यान देना, अपनी पत्नी को भी हर समय ऐसा नहीं है कि वह देख ही जा रहा है, इन अवस्था में नहीं देखना है। व्यवस्था कौन सी है, भोजन करती हुई स्त्री का निरीक्षण नहीं करना है, वो भोजन कर रही है आप वहां जा रहे हैं, इसीलिए कहा पति भोजन कर ले तब महिला भोजन करे, वो पत्नी को भोजन करना चाहिए, आप तो साथ ही साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, बड़ा महान अपराध है। ये छींकती हुई जमाई लेती हुई स्वेच्छा से आसन पर कुर्सी पर पलंग पर आदि में अपने मस्ती इत्यादि में बैठी हुई उस समय अवस्था में भी पत्नी का निरीक्षण वहां जाना नहीं चाहिए। भाई ऐसे मन से बात कह रहे हो, कहीं लिखा हुआ है ये पत्नी की, हमारे समझ में नहीं आ रही, इसलिए पत्नी का श्लोक जरूर सुन लीजिएगा, देखना हो तो पूर्व पुराण के उत्तर खंड में 16वें अध्याय का 49वां, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में 55वें अध्याय का 48वां आप श्लोक देख सकते हैं, श्लोक को सुने। नाशनीयात नाशनीयात भार्यया सार्धम नैनामीक्षेत चाश्नतीम शुभंतीम जृंबमाणाम वा नासनस्थाम सुखा यथा सुखम। नाशनीयात भार्यया सार्धम, पहली बात तो ये अपनी पत्नी के साथ नहीं खाना है। साथ का पता है अर्थ क्या है, साथ के तीन चार अर्थ होते हैं, साथ नहीं खाना है इसका मतलब एक समय में साथ नहीं खाना है, वो अपनी थाली में खा रही तुम अपने में खा रहे हो अलग अलग, पर साथ कहते ना हम सबने साथ साथ भोजन किया है सब लोग, ऐसा नहीं एक ही थाली में खाने से साथ साथ होगा, एक टाइम एक समय में भी नहीं खाना है। और एक साथ माने एक आसन पर बैठ के नहीं खाना, और एक साथ एक पात्र में भी नहीं खाना, एक पात्र में तो खाना ही नहीं है ये मान लीजिए, एक पात्र में तो खाने की बात छोड़ो, एक आसन पर बैठ के नहीं खाना चाहिए, एक समय में नहीं खाना चाहिए, ये कह रहे नाशनीयात भार्या सार्धम। और नैनम ईक्षेत च अश्नतीम, उसको पत्नी को खाते हुए भी नहीं देखना चाहिए। छुबंती मन छींक लेती हुई जन्ममाना जमाई लेती हुई वा नासनस्था, और अपने आसन आसन पर बैठी हुई है तब भी वो यथासुख आसन पर विराजमान पत्नी का दर्शन नहीं करना चाहिए। गुरुजी का या माता पिता जो अभिभावक हैं इनका मुख भी हर जो है इनकी गुस्सा, जब ये गुस्सा होते क्रोधित होते हैं तो उस समय नहीं देखना है, गुस्सा में इनको भी नहीं देखना चाहिए। न क्रुद्धस्य गुरोर मुखम, विष्णु स्मृति में 71वां श्लोक, क्रुद्धावस्था में गुरु माने माता पिता अभिभावक और जो गुरु जो आप समझ रहे हैं वो गुरु गुरुदेव, इनका भी अब क्रोध कर रहे हैं तब इनका मुख नहीं देखना है, तो नीचे निगाह रखनी है, कुछ समझा रहे हैं तब इनके मुखारविंद का निरीक्षण करना है, ये शिष्टाचार है, अन्यथा आपको पातक लग जाएगा। छोटी छोटी बातें ही तो हैं, यही तो धर्मशास्त्र है। अब कह रहे हैं तो एक बात और, पागलों को नहीं देखना, वो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका भी निरीक्षण नहीं होना चाहिए। कूर्म पुराण में कहा गया है नोन मत्तम मत्तमेव वा पश्येत, मत्त उन्मत्त इत्यादि का दर्शन भी उनको घूर घूर करके नहीं देखना है, पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना है, पर स्त्री का माथा नहीं देखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो पर नार लिलार गुसाई, है ना,
जो आपन चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है, जो है सुंदरकांड में विभीषण ने रावण से कहा कि जो आपन चाहे कल्याणा, जो अपना कल्याण चाहता है, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, यह सुजस चाहता है, सुख चाहता है, शुभ गति चाहता है और नाना प्रकार के सुख चाहता है, समझ लो किसी भी प्रकार का सुख चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी हो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। क्या कि सो पर नार लिलार गुसाई तजा चौथ के चंद की नानी, उसको जो है पर स्त्री का लिलार मस्तिष्क ये जो है माथा और ये चेहरा नहीं देखना चाहिए। तजाओ चौथ के चंद की ना, जैसे चौथ के चंदा को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को लोग नहीं देखते हैं, इसी प्रकार बिल्कुल सजग होकर के किसी भी स्त्री के मुख को नहीं देखना है। तो ये निषिद्ध किया गया है, इन को देखने मात्र से पातक लग जाता है, उनका प्रायश्चित करना पड़ता है, भगवत स्मरण करना पड़ता है, शांति करनी पड़ती है। किसी स्त्री महिला बालिका को देखने में या बालिकाओं स्त्रियों को पर पुरुष को देखने में अपराध बतलाया गया है, तो एक महात्माओं का सामान्य नियम है, वे बतलाते हैं कि सामान्य रूप से एक बार निगाह चली जाती है वो बिना पूछे ही चली जाती है, सामान्य व्यक्ति की चली जाती है, लेकिन जो धीर पुरुष है वो तो एकदम सजग होते हैं, वो भले ही कितनी भी आवाज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, एकदम घटना हो जाए तब भी वो एकदम चौंक के नहीं देखते हैं। सामान्य आदमी तो कुछ हुआ कौन, एकदम बिना पूछे ही वो डर जाएगा, उधर देखने लगेगा, अपने कार से हट जाएगा, तो ये सामान्य मनुष्य में होता है। तो एक बार अगर कोई देखा कि कोई जा रहा है, तो महिला है, स्त्री है, बालिका है, उस पर निगाह पड़ी और फिर वो निगाह अपने आप वहां से हट जाएगी, फिर आपको लगेगा अच्छा है क्या है, जैसा भी मन में विचार आए तो आप फिर उसको देखेंगे, बस अब अपराध है। पहली बार यदि निगाह चली गई तो वो तो सामान्य रूप से लोगों की चली जाती है, तो उसमें तो भगवान क्षमा कर देते हैं और फिर वो हट भी जाती है, लेकिन फिर दोबारा मन में आया, फिर आपने देखा, घूर घूर करके देखा, मन में कुछ कुभाव ला करके देखा, ऐसी महिलाओं को पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री को दर्शन किया, तो ये पातक का कारण बन जाता है, इनसे बचना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे अपराध हैं देखने मात्र से, ऐसे अपराध हैं सूंघने मात्र से आपको पातक लग जाए, आपने सूंघ लिया, वो ऐसे स्थल है वहां चले गए जाने मात्र से पातक लग जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं, इसके बारे में, ये सबके बारे में बताऊंगा मैं कभी कभी धीरे धीरे, कुछ ऐसे प्राणी हैं, ऐसे लोग हैं, वे किसी वस्तु को देख दें, कितने भी अपवित्र, जो पवित्र वस्तु हो वो अपवित्रता में बदल जाएगी, ये जो है फिर आप कहते रहिए पवित्र, वो अपवित्र ही हो गए, उसका पवित्र शोधन करना पड़ेगा। इस दृष्टि से ये शास्त्र की मर्यादाएं, ये शास्त्र की चर्चाएं, इसको आप सुनें, समझें, अनुसरण करें और दूसरों को भी बताएं, और अपने जो है पाल्य हैं, जो भी आपके बालक हैं, तो उनको इन शिष्टाचारों की शिक्षा जब अवश्य देवें, यही हमारा सनातन धर्म है। हर हर महा